नमस्कार दोस्तों, राजपूत सोलर एजेंसी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर आपके सामने एक हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ में, और ये सेटअप जो लगा हुआ है फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और जो कि लगा हुआ है एक कायमगंज रोड पे फैजबाग पड़ता है। जो भी फरुखाबाद के हमारे लोग व्यूवर्स हैं, जो भी आटा चक्की लगाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो फैजबाग के पास आके देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद है और कायमगंज रोड पर है। और देख लीजिए यहाँ पे हमने जो दिया है 545 वाट का विक्रम कंपनी का मोनोपर खापकर पैनल, देख लीजिए। यह है डाटा शीट इसका, ये देख लीजिए डाटा शीट है। और दोस्तों ये सेटअप जो लगा हुआ है जीआई के स्ट्रक्चर के साथ में, और यहाँ से इसकी हाइट की बात की जाए तो कम से कम 30 से 35 फीट होगा। यहाँ की ये देख लीजिए खम्भे वाला पोल है, अभी ये स्ट्रक्चर इतनी हाइट का लगा हुआ है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे जो कि हमने हाइट दिया पीछे का लगभग 8 फीट का पाया है, आगे का हमारा 4 फीट समथिंग पाया है। और ये यहाँ पे जो है केवल 16 ही पैनल लगे हुए हैं, और जी आई के स्ट्रक्चर के साथ में और 6 स्क्वायर में डबल वायरिंग हुआ है यहाँ पे। और पैनल ये देख लीजिए एक रो में लगे हुए हैं बगैर क्लाइमेट में, और बढ़िया अच्छा खासा धूप निकला हुआ है। अभी भैया का चक्की सेट हो रहा, अगर सेट हो जाएगा तो आप आपको चलते हुए दिखाएंगे। और ये देख लीजिए स्ट्रक्चर एक क्लाइमेट में मिला हुआ है, और बाकी बकायदा पैनल के चारों तरफ हम लोग गैपिंग देते हैं। ये देख लीजिए गैपिंग यहाँ पे दिए हैं बकायदा बराबर, जिससे कि हवा यहाँ पे भरेगी और पास हो जाएगी। और यहाँ पे अर्थिंग भी दिया गया है, स्ट्रक्चर का अलग से अर्थिंग होता है, बीएफडी का अलग से अर्थिंग होता है। और दोस्त ये सेटअप फरुखाबाद में लगा हुआ, जो भी लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आके देख सकते हैं फैजबाग के पास। बाकी दोस्त अभी नीचे चल के हम लोग आपको दिखाएंगे आटा चक्की, और इस समय जो है आटा चक्की बहुत ज़्यादा लग रही है और हम लोगों के पास टाइम नहीं। कुछ लोग का शिकायत होता है कि सर जी आप लोग फ़ोन नहीं उठा पाते। देखिए भैया काम कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है फ़ोन उठ जाता है, कभी नहीं उठ पाता, जैसे काम करते हुए फ़ोन नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो भैया इसके लिए सॉरी। और जो भी है अगर फ़ोन नहीं उठ पा रहे तो आप व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आपका छोड़ देंगे तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ये चीज़ है। और बाकी जो भी लोग हैं आटा चक्की लगवाना चाहते हैं तो मैं तो यही कहता हूँ हर एक वीडियो में कि भैया आटा चक्की लगवाएं, बट पहले सोच समझ करके लगवाएं, जिस बंदे से लगवाएं उसके दो चार सेटअप देख लें, देखने के बाद ही आटा चक्की काम करें, है ना। और अभी यूट्यूब पे बहुत सारा ए ग्रेड बी ग्रेड दुनिया भर का ये फैला हुआ है। देखिए अभी मेरा विक्रम कंपनी है, अब इसका कोई बी ग्रेड अगर मॉड्यूल निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं वो हम और आप ही हैं, कंपनी नहीं निकालता है। क्या करते हैं हम लोग, आप लोग ये स्टिकर जो होता है इसका फोटोकॉपी बना के उसी लोकल पैनल पे उसका जो स्टिकर होता है उखाड़ के ये स्टिकर चिपका देते हैं, तो वो हो जाता है बी ग्रेड, ठीक है। और ओरिजिनल की पहचान तो इस कांच के अंदर जो होता है, कांच के अंदर ही लिखा होता है। अभी हम आपको दिखा दें, कांच के अंदर विक्रम सोलर लिखा होगा, ये चीज़ है ओरिजिनल का पहचान। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए ये बार कोड, और यहाँ पे अभी हम दिखा देंगे, ये देख लीजिए विक्रम सोलर लिखा हुआ है और मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, और सारा कुछ इसमें डाटा दिया है, कितने वाट का पैनल है, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। और ये इस तरीके का होता है इसका बारकोड। अब कंपनी से जैसे आप पैनल लेते हैं, कंपनी से भी आप टोल फ्री नंबर से बात करके आप कंपनी से पूछ सकते हैं कि ये सीरियल नंबर आपके यहाँ जनरेट हुआ कि नहीं, क्योंकि कंपनी किसी से झूठ नहीं बोलेगी। ये देख लीजिए यहाँ का अलाइनमेंट है पैनल, टोटल 16 पैनल और 10 एचपी का मोटर रन करेगा। बहुत सारे डीलर के दिमाग में ये बात चलती कि भैया 10 एचपी का कैसा रन करेगा, तो हम तो कहते हैं पहले आप आइए हमारे सेटअप पे देखिए। कुछ लोग क्या है कि चक्की आटा चक्की लगाना चाहते हैं बट वो किसी डीलर से सलाह ले लेते कि भैया हमको आटा चक्की चलाना है 16 पैनल पे चल जाएगा, तो वो डीलर बोलेगा भैया नहीं चलता है। क्यों? अभी उसके दिमाग में ये बातचीत चल रही है कि भैया नहीं चल पाएगा 16 पैनल पे, 32 लगाओ 48 लगाओ, कितना कितना लगवा देते हैं। भाई मैं कहता हूँ तो पहले आप मेरा, अगर मुझसे काम कराना है तो पहले मेरा सेटअप आके देखिए, उसके बाद आप काम करवाइए। मेरा तो सीधा सीधा फंडा यही है कि पहले आप आइए मेरे सेटअप, एक नहीं चार सेटअप देखिए और चार लोगों का नंबर लीजिए मुझसे, उसके बाद आप मुझसे काम करवाइए, है कि नहीं। तो जब आपको लगे कि नहीं हमारा, जब किसी का सेटअप देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ सही वास्तव में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर मेरे भाई अगर चलता ना होता तो कम से कम 35-40 सेटअप हमने लगा दिए 545 वाट के, 35 से 40 सेटअप हमारे लगे हुए ऑल ओवर इंडिया 545 वाट के मोनोपर खाप कर, 545 बी लगा है, 540 बी लगा है और 450 का भी लगा है। हम तो 450 वाट में भी 16 पैनल पे 10 बी का मोटर रन करके दे रहे हैं,
और पहले काफ़ी सेटअप हमारे लगे हुए, आप सुचारू रूप से चल रहे हैं। आप किसी भी कस्टमर का आप नंबर हमसे ले सकते हैं बेझिझक, हम आपको नंबर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस बंदे के अंदर का चोर होगा तो वो नंबर नहीं देगा। मैं तो कहता हूँ नंबर लो और जाके फेस टू फेस बात कराओ, उसके यहाँ जाके देखो पहले, तब आप हमसे काम कराओ। बाकी अभी नीचे चल के आटा चक्की आपको दिखाएंगे, और बाकी तो आगे नेक्स्ट वीडियो में भी जो भी होगा अभी आटा चक्की चल के दिखाएंगे, अभी नीचे चल के किस तरीके से चल रहा है। आ गया भैया के कारखाने में, अभी यहाँ पे कारखाना सेट नहीं हुआ है, आटा चक्की भी सेट हो रही है, और यहाँ पे मोटर है जीसी का लगा हुआ 10 HP का ओल्ड मोटर है, और यहाँ से निकला हुआ हमारा 3 फेज का करंट, और ये घर के कनेक्शन के लिए यहाँ से वायरिंग होगी, और ये अर्थिंग का तार है, और ये ऑन ऑफ स्विच है। अभी मान करके आपको मोटर दिखा रहे हैं, ये मोटर चल रहा है धीरे धीरे, देख लीजिए मोटर चल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है। मोटर के एम्पियर हम दिखा दें आपको, 5 एम्पियर का मोटर ले रहा है, 5 एम्पियर मोटर ले रहा है, 5 एम्पियर मोटर लेके चल रहा है, जो कि अच्छा माना जाता है। ये देख लीजिए, और ये मोटर डेल्टा कनेक्शन पे, इसका कनेक्शन हुआ डेल्टा पे, 6 तारों पे कनेक्शन हुआ है डेल्टा पे, और बढ़िया मोटर चल रहा है। 50 फ्रिक्वेंसी है, ये चीज़ है।